आगरा कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हस्तलिखित रामचरितमानस आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसको हरियाणा हिसार के जैकब हरमीत सिंह ने लिखा है। साहित्य उत्सव और राष्ट्रीय पुस्तक मेला देखने वाली दर्शकों की निगाहें एक ऐसी जगह बरबस ही रुक जाती है जहां मात्र 3 पुस्तकें हैं। ये पुस्तक हस्तलिखित वे 3 धर्म ग्रंथ हैं जो सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। जैकब हरमीत सिंह ने ये ग्रंथ पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की प्रेरणा से लिखे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो, छोटा लक्ष्य तो अपराध है। हरमीत ने इंटीरियर डिजाइनिंग का काम छोड़कर रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और बाइबल लिख डाली। रामचरितमानस को लिखने में 11.5 माह लगे। इसका वजन 1 क्विंटल 9 किलो 630 ग्राम है। नाम बता दीजिए। हाँ जी, मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम जैकब हरमीत सिंह है। जी, जैकब हरमीत सिंह मेरा नाम है। जैकब जी, आपने ये बुक लिखी है रामचरितमानस, किस तरह की किताब है? रामचरितमानस वही जो गोरखपुर गीता गोरखपुर प्रेस की है, उसी से मैंने लिया है ये। और मैंने इसको 3 भाषाओं में दिया है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में। और इसका वजन जो है 1 क्विंटल 9 किलो 630 ग्राम है। और विश्व की सबसे बड़ी रामचरितमानस है ये। और उसका मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से इसके से जो सम्मानित किया गया है। और समय सर इसको लिखने में लगा पूरा? इसको लिखने में मुझे 11.5 महीने लगे हैं और पूरी लैमिनेटेड है। और इसके अलावा मैंने 2 किताबें और भी तो लिखी हैं। एक भगवत गीता लिखी है, भगवत गीता को भी मैंने लैमिनेट करवाया है और 3 लैंग्वेज में है ये भी। पुस्तक मेले का अवलोकन करने आने वाले लोग की नज़र जब इन ग्रंथों पर पड़ी तो उन्होंने अपने मोबाइल से ही इसकी फोटो खींच डाली। शायद वो इसे खरीद पाने में असमर्थ थे। इनकी कीमत भी अजीब है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इधर धर्म ग्रंथों के पन्नों पर जो लिखा है वही उनकी कीमत है, यानी समाज कल्याण। हरमीत सिंह की शर्त है कि जो व्यक्ति हिसार में ये यतीम अनाथों के लिए एक स्कूल और हॉस्टल बनवा देगा, उसे वे ये धर्म ग्रंथ दे देंगे। वही दर्शकों का कहना है कि ये 3 ही किताबें अनमोल हैं और ये देश की धरोहर है। मेरा नाम जोएल थॉमसन है और मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। और मेरे को इस किताब के बारे में पता चला था भी, उस पर व्हाट्सएप पे देखने के बाद मैंने कहा चलो मैं भी मेले में घूम के आता हूँ, देख के आता हूँ क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ मेले में घूमा, सब कुछ वो करने के बाद जब ये किताब देखी तो ये मुझे किताब एक अजूबे की तरह लगी, क्योंकि ये एक हाथ से लिखी हुई बहुत बेहतरीन किताब है और इसको रामचरितमानस को बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और इसको दर्शाया गया है। इसको 3 भाषाओं में लिखा गया है ताकि हमारे कोई फॉरेनर भाई भी आए तो वो भी इसको इंग्लिश में समझ सकें। ये हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में लिखी। हरमीत ने रामचरितमानस के अलावा श्रीमद् भगवत गीता और बाइबल भी लिखी। बाइबल को लिखने में 2.5 साल लग गए, जबकि गीता को उन्होंने मात्र 1.5 माह में लिख दिया। वहीं इन बड़ी और भारी भरकम हस्तलिखित पुस्तकों को उन्होंने बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।